नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की स्टॉक एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए लिखते हैं फ्रेंड्स, कल मैंने आपके लिए 4 स्टॉक निकाला है। इससे पहले मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने कल पहला स्टॉक निकाला है वेदांता लिमिटेड। ये फ्रेंड्स 1D का चार्ट है, आप यहाँ पर चेक करोगे फ्रेंड्स, ये वेदांता लिमिटेड है, 1D का चार्ट है। आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी टाइम से इस बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ है वेदांता चार्ट ने फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर चेक करोगे तो 21 जनवरी से लेके आज 19 जुलाई तक ये बॉक्स पैटर्न में घुमा हुआ है फ्रेंड्स। तो और आज आपने यहाँ पर चेक करोगे तो आज उसने एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया हुआ है, जो एक बुलिश टाइप का पैटर्न माना जाता है। तो अगर टुमॉरो 241 को ब्रेक करता है फ्रेंड्स, 241 को ब्रेक करता है फ्रेंड्स, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 252, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 263, और तीसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 273। और आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इसी कैंडल के ऊपर उसको कुछ टाइम तक सस्टेन करना पड़ेगा 242 के पास, ओके। उसके बाद ही उसमें मूवमेंट आने की पूरी पूरी संभावना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से नीचे घूम भी सकता है फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा ये देखकर चेक करना पड़ेगा, ओके। दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स इंडस्ट्री बैंक, मैं इसको निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री बैंक में आप चेक करोगे तो उसने एक बुलिश कैंडल बनाई हुई है आज। अगर टुमॉरो आज के हाई को ब्रेक करता है फ्रेंड्स, 871.80 उसका हाई है, और अगर टुमॉरो 872 को ब्रेक करेगा फ्रेंड्स, 872 को ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स 889, और दूसरा टारगेट आ सकता है 900। ये हो गया हमारा इंडस्ट्री बैंक। आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ से ये लगातार 1D के कैंडल में नीचे आया, यहाँ से थोड़ा इसमें लिया, फिर से नीचे आया, फिर से अप गया, फिर से नीचे आया, अब यहाँ से ये फिरा, यहाँ पे उसका जो पहले वाला जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे आके उसने आज क्लोजिंग दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल टुमॉरो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो हमारा टारगेट अचीव कर सकता है फ्रेंड्स इंडस्ट्री बैंक, क्योंकि वो लगातार 2 दिन से बुलिश जोन में है फ्रेंड्स। तीसरा स्टॉक है फ्रेंड्स एक्सिस बैंक। आप फ्रेंड्स एक्सिस बैंक को भी चेक करोगे तो यहाँ पे वो भी 2 दिन से बुलिश ट्रेंड में क्लोजिंग दिया है हमारा एक्सिस बैंक ने। और एक्सिस बैंक का मैंने आपको भी आगे भी वीडियो में वो स्टॉक दिया था, और आज भी मैं आपको एक्सिस बैंक का स्टॉक दे रहा हूँ। आप अगर टुमॉरो फ्रेंड्स 702 पे निकलता है, यहाँ पे ऊपर होने के बाद 702 ब्रेक करता है और वहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करेगा तो उसका पहला टारगेट ही आएगा 720 पे, उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है ये वाला, ओके फ्रेंड्स। और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स आने वाले दिनों में ये वाला 732। तो एक्सिस बैंक पे आप वॉच रखिएगा, क्योंकि आज भी वो करीबन 2.35% का उसने मूवमेंट दिया है फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ने। और एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, वो सब अगर कल पुलिस होती है फ्रेंड्स प्लस में रहता है तो ऑटोमेटिकली हमारा बैंक निफ्टी भी प्लस में जाने की पूरी पूरी संभावना है। अभी चौथा स्टॉक निकाला है मैंने RBL बैंक फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखोगे RBL बैंक ने भी काफ़ी टाइम उसने रेक्टेंगल पैटर्न ड्रो बनाया हुआ था यहाँ से यहाँ तक, और आज वो फिर से रजिस्ट्रेशन जोन के पास उसके पहुँच गया है। उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिया था और मैं नीचे आ गया था, फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लिया यहाँ पर, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे आ गया है, और उसने हाई मारा है आज का फ्रेंड्स 92.30 उसका हाई है। अगर टुमॉरो आज के हाई को ब्रेक करता है फ्रेंड्स RBL बैंक तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 98.20, दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 100, और तीसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 107। ये हो गया हमारा फ्रेंड्स RBL बैंक फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।